नमस्कार, ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार, किस्सा कहानी, कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूँ मौसमी चंद्रा और आपको सुना रही हूँ फलक की सदस्य रचना राज पुरोहित की कहानी, जिसका शीर्षक है आंचल। अल सुबह ही आंख खुल गई। बाहर चिड़ियों का चहकना, सूरज की लालिमा, सब वैसा ही तो है जैसा हमारे देश में होता है, लेकिन यहाँ दिल क्यों नहीं लगा अभी तक? गार्डन के चक्कर काट कर सुधा जी वापस आ गई। बेटा बहू अभी तक उठे नहीं थे, बेचारे देर रात तक काम करते हैं ना। रसोई में गई, उनको आदत थी सुबह सुबह लोटे कलसी मांझ कर बासी झाड़ू लगाकर चाय बनाने की, लेकिन यहाँ कहाँ है लोटे कलसी मटकी, बस एक प्यूरीफायर है। नहाकर पूजा घर में पहुंची, मंदिर के पास अपने पति की बड़ी सी तस्वीर देखकर उतार लिया। आंचल से उसे पूछने लगी, लेकिन यहाँ तो धूल भी नहीं लगती, तस्वीर भी कितनी साफ थी। सफाई के लिए मेड आती है जो वैक्यूम क्लीनर इस्तेमाल करती है, बहू उसके पीछे झिकझिक भी नहीं करती फिर भी इतनी सफाई। बेटा कहता, माँ यहाँ तो लोगों के पास वक्त ही नहीं है, लेकिन मुझे तो यहाँ दिन पहाड़ जैसे बड़े लगते हैं। दोनों काम पर चले जाते, पोती स्कूल में, और मैं पूरे दिन बिना काम काज के गुड़िया की तरह रहती। मुझे अब यहाँ नहीं लगता अच्छा रहना, लेकिन मैं ऐसे नहीं जी पाऊंगी। सुधीर से कहा है टिकट बना दे, लेकिन उसने कोई जवाब ही नहीं दिया। बहू विदेशी है मेरी, लेकिन बहुत सभ्य है। वो मेरी भाषा नहीं समझती, लेकिन हर बार मुस्कुरा देती है। टूटी फूटी हिंदी में बोलने की कोशिश भी करती है। बहुत प्यारी है मेरी बहू, ऑफिस से आते ही गले लग जाती है। उसके प्यार से, उसके व्यवहार से कभी मुझे लगा ही नहीं जैसे वो मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन फिर भी यहाँ मैं रहना नहीं चाहती। आज संडे है, बहू से कहूँगी आज खाना मैं बनाऊँगी। बहू भी साथ में मदद करने लगी। सुधा जी खाना बनाने के दौरान हाथ पोछने के लिए अपने आंचल की ओर हाथ बढ़ाती और बहू हर बार मुस्कुराते हुए उनको टिश्यू पेपर पकड़ा देती। सुधा जी का आंचल कोरा ही रह जाता। उनको याद आया कैसे उनके पति डांटते थे साड़ी के पल्लू पर हल्दी मिट्टी जैसे दाग धब्बे देखकर, लेकिन उनको उसी मैले पल्लू में सुख लगता था। यहाँ तो साड़ी साफ ही रहती है, इतनी साफ कि धुलने की भी जरूरत नहीं लगती। माँ खाओ ना, बेटे ने कहा तो तंद्रा टूटी। माँ आज मजा आ गया आपके हाथ का खाना खाकर, तुम्हारे हाथों में पहले सा ही जादू है। लेकिन तुम्हारे आंचल में वो पहले सी खुशबू नहीं आ रही, वो सुगंध नहीं आ रही माँ, कहकर बेटे ने अपने हाथ माँ के आंचल में पोंछ दिए। बहू अबाक रह गई और माँ बेटे की आंखें नम हो गई। सुधा जी ने मन ही मन तय कर लिया था वो अब कहीं नहीं जाने वाली। उनके सफ़ेद आंचल में लाल पीले ममत्व के निशान फिर उभर आए थे। ये कहानी इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे मौसमी चंद्रा की आवाज़ में रचना राज पुरोहित की कहानी आंचल। ये है फलक का चैनल किस्सा कहानी। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।